घड़ी मतलब वॉच, अगर चलते चलते रुक जाए या गलत समय दिखाना शुरू कर दे तो समझ जाओ कि घड़ी की सेल को चेंज करने का सही समय आ चुका है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, आपके सकारात्मक मतलब पॉजिटिव विचारों की सेल अगर डाउन हो जाए, हर जगह आपको नेगेटिव नेगेटिव ही दिखाई दे, पॉजिटिव आपको दिखाई देना बंद हो जाए। ऐसा होता है, किसी अपने ने कुछ बोल दिया, हम वहीं पे नेगेटिव हो गए और हमारे साथ में वो अलग चार पांच बातें निकल के उखड़ करके सामने आ जाएंगी जो हमको और नेगेटिव कर देती हैं। ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो स्टडी की जो सेल पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ में फुल्ली चार्ज होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। ऐसी कंडीशंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है या तो मोटिवेशनल बुक रीड करो, किसी की लाइफ की बायोग्राफी वगैरह होती है, काफ़ी सारी पर्सनैलिटी ऐसी जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करा है और आगे जा करके वो काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंच गए, या तो फिर किसी मंदिर में जा करके 5-10 मिनट बैठ जाइए, गुफ्तगू करिए, बातचीत करिए अपने आप से, भगवान से रिप्लाई पक्का मिलेगा। थिंक अबाउट इट, ये फॉर्मूला काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं। अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं करा तो प्लीज़ इसको अप्लाई करिएगा। नेगेटिव होने से कोई फ़ायदा नहीं है, नेगेटिव आपको तोड़ देगी, आपके कदमों को स्लो कर देगी, या फिर आपके कदम जो मंजिल तक पहुंचने वाले हैं उससे आपको पीछे की तरफ खींच लेगी। थिंक अबाउट इट। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं आज के अपने इस वीडियो में। पार्ट 9 में होंगे टोटल हमारे सामने 42 क्वेश्चन, जैसे कि आपने अभी देखा था, और ये सभी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। आपका जो भी स्कोर बनता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज रहे हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे कि भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी। 1976, 1980, 1986, 1990। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी, 1986। क्वेश्चन नंबर 2, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। इंग्लैंड, सोवियत संघ, यूएसए, जर्मनी। तो सेकंड का जो राइट आंसर है वो है आपका डी, जर्मनी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। नरगिस दत्त को, मधुबाला को, अमृता प्रीतम को, देविका रानी को। तो थर्ड का जो राइट आंसर है वो है आपका देविका रानी। अगला क्वेश्चन अब हमारे सामने की क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में कहाँ पर स्थापित किया गया। सूरत, मथुरा, डिगबोई या फिर अलकेश्वर। अलंकेश्वर। तो 4 का राइट आंसर बनेगा आपका डिगबोई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। आप ये नहीं कि आप रेलवे की तैयारी नहीं कर रहे, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो यार मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको, क्लोज करो, ऐसा नहीं है। ये सभी क्वेश्चन बेसिक हैं और हर एग्जाम में आपके काम आएंगे ये। तो इसलिए इस वीडियो को अटेम्प्ट करिए, अपना स्कोर बनाइए, कितना बना आपका स्कोर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में पहली बार एसटीडी सेवा कानपुर एवं लखनऊ के बीच में स्टार्ट हुई थी और कब शुरू हुई थी। 1950, 1960, 1972, 1985। तो 5 का राइट आंसर है आपका 1960। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की भारत का बोस्टन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। मुंबई को, अहमदाबाद को, कैलकाटा को, कानपुर को। तो 6 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी, अहमदाबाद। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। रिचर्ड एटनबरो ने, बेन किंग्सले ने, श्याम बेनेगल ने या फिर सत्यजीत रे ने। तो 7 का राइट आंसर है आपका बेन किंग्सले। क्वेश्चन नंबर 8 है, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो 8 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी, सेकंड। देखिए, अगर बात करी जाए उद्योग की तो उद्योग से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं पक्का, और आने भी चाहिए क्योंकि उद्योग क्या है, हमारा बैकबोन है कहीं ना कहीं इंडिया का, इंडिया हर कंट्री का बैकबोन होता है उद्योग। तो उद्योग से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इस बुक के साइड में, अगर आप बुक लेके बैठे पड़े हैं तो थोड़ा बहुत डिटेल लिख लीजिए जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। देखिए, बात करी थी हमने पिछले वीडियो में या इस, हाँ देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपके सामने वो है कि राउरकेला कहाँ पर है। ये है उड़ीसा में,
ये एक इस्पात कारखाना है और सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये स्थापित हुआ था जर्मनी के सहयोग से, अभी हमने देखा था। उसके बाद आपसे बात करता है कभी कभी भिलाई के बारे में। भिलाई कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और ये जो इस्पात कारखाना जो हेल्प की सहायता से लगा था वो देश का नाम है आपका रूस। दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ब्रिटेन की सहायता से ये स्थापना हुई थी। ये तीनों ही स्थापित हुए थे सेकेंड पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, याद रखिएगा। बस और भी बहुत कुछ है देखिए बताने के लिए आपको कि चीनी उद्योग कहाँ पे लगा था पहला, तो वो लगा था आपका बिहार में। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए आप एक काम करिएगा कि एक आपने एक स्टैंडर्ड बुक परचेज कर रखी होगी जिसका नाम है लूसेंट, नीली वाली किताब बोलते हैं उसको, छोटी वाली बुक है वो। अब थोड़ा सा उसका न्यू एडिशन आ रहा है जो चौड़ी बुक है। छोटी बड़ी कुछ भी लो सब चलेगा, बट उसको पढ़ो, टारगेट ये बनाओ कि उसको ख़त्म करना है अच्छे से। उसको पढ़ने के बाद में आपको स्ट्रांग हो जाएगा बेस, बेस स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद आप ये एमसीक्यू फॉर्मेट क्वेश्चन जब अप्लाई करेंगे अपने ऊपर, जब अटेम्प्ट करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो इसलिए बेस पहले स्ट्रांग करो। उस बुक के कंप्लीट वीडियो आपको मिलेंगे चैनल पे, आप चाहें तो प्लेलिस्ट लिस्ट में जा करके वो सभी वीडियो वॉच कर सकते हैं। लूसेंट जीके की बुक के क्वेश्चन नंबर 9, भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया? मधुबाला, देविका रानी, नरगिस दत्त या फिर शबाना आजमी? तो 9 का राइट आंसर होगा आपका नरगिस दत्त। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया? 5, 6, 8, 12? तो 10 का राइट आंसर है आपका 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ था? 1936, 1984, 1986, 1990? 11 राइट आंसर 1936। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? 12 राइट आंसर थर्ड। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 13 की, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, धातु उद्योग? 13 राइट आंसर सूती वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? प्रताप, केसरी, उदंत, मार्तंड या फिर बंगाल गजट? 14 राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15, गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या है? रवि पंडित, किशन महाराज, राजेश्वर या फिर रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप? तो 15 का राइट आंसर आपका डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? सत्यजीत रे, भानु अथैया, दादा साहेब फाल्के, श्याम बेनेगल? 16 राइट आंसर दादा साहेब फाल्के। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1890, 1920, 1929, 1934? 17 राइट आंसर 1929। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर की, भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी है? आलमारा, नूरजहां, राजा हरिश्चंद, तुकाराम? 18 राइट आंसर राजा हरिश्चंद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? मुंबई, अहमदाबाद, कैलकटा, कानपुर? 19 राइट आंसर कैलकटा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के प्रथम समाचार बंगाल गजट के संस्थापक कौन है? तो वो है आपके जे.के. हिक्की, जॉन विलियम, जॉन प्रिंसेप, जॉन शोर? तो 20 राइट आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? कपास को, जूट को, पेट्रोलियम को, संगमरमर को? तो 21 का राइट आंसर आपका कपास को। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? 1947, 1950, 1955, 1959? 22 राइट आंसर है आपका डी, 1959। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 की, हिंदी पत्रिका उदंत मार्तंड के संस्थापक कौन थे या संपादक कौन थे? पंडित युगल किशोर शुक्ल, महात्मा गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी, अशोक मेहता? 23 सही जवाब होगा आपका ए, पंडित युगल किशोर शुक्ल। 24 नंबर है, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? कानपुर को, अहमदाबाद को, मुंबई को, वाराणसी को? 24 राइट आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है 25, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना कब की गई थी? 1945, 1950, 1956, 1960? 25 राइट आंसर सी, 1956। सॉरी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? राजेश
देवी का रानी, दादा साहब फाल्के, श्याम बेनेगल, सत्यजीत रे। 26 राइट आंसर है इसका, सत्यजीत रे। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? जो आप अपने एड्रेस के साइड में लिखते हैं ना, यूपी से बिलोंग कर एक पिन कोड होता है 6 डिजिट का, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955, 1960, 1968, 1972। 27 राइट आंसर हुआ था इसका डी, 1972। 1972 में सोने का रेशा किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन, जूट, कपास, मूंगफली, कोयला। 28 का सही जवाब बनेगा आपका जूट। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 29। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर। 29 राइट आंसर होगा इसका आपका डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे कौन? भानु अथैया, महेश भट्ट, सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल। 30 राइट आंसर होगा इसका आपका ए, भानु अथैया। 31 भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1980, 1985, 1990, 1995। 31 राइट आंसर होगा आपका डी, 1995। भारत में सेलुलर फोन सेवा कब शुरू की गई थी? 1965, 1980, 1990, 1995। 32 राइट आंसर होगा इसका आपका डी। अगला क्वेश्चन है 33। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं पीटीआई, की स्थापना कब हुई थी? 1934, 1947, 1955, 1964। 33 राइट आंसर होगा इसका आपका बी। अगला क्वेश्चन है 34। भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? मुंबई, जमशेदपुर, कुलटी मतलब पश्चिम बंगाल में है ये, और बोकारो। प्रथम इस्पात कारखाना, 34 राइट आंसर होगा इसका सी। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 35। मनी ऑर्डर सेवा कब शुरू की गई? 1850, 1880, 1885, 1890। 35 राइट आंसर होगा इसका 1880। अगला क्वेश्चन है 36। प्रसार भारती का गठन कब किया गया? 1956, 1980, 1990, 1997। 36 राइट आंसर होगा इसका 1997 में। अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? बताया था अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको, याद होगा तो देखेंगे कि आपने कितना ध्यान से सुना है इसको। करिए, लगाइए इसका राइट आंसर। तो ये है आपका पश्चिम बंगाल। 38 है आपका, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अभी बताया था मैंने आपको ये भी, छत्तीसगढ़। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? फ्रांस, जर्मनी, सोवियत संघ, इंग्लैंड। 39 राइट आंसर आपका रूस मतलब सोवियत संघ। 40 नंबर है हमारा कि डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1832, 1864, 1880, 1905। 40 का राइट आंसर है 1854, 1854। नेपा नगर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के लिए किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? रीजन क्या है इसका फेमस होने का? यहाँ पर अखबारी कागज बहुत अधिक पाया जाता है, सूती वस्त्र उद्योग अधिक है यहाँ पर, लोह इस्पात के लिए और सीमेंट उद्योग के लिए। तो 41 जो फेमस है वो है आपका नेपा नगर के लिए, मतलब कागजी उद्योग के लिए। अखबारी कागज जो प्रिंटिंग होती है वो सभी कागज बनता है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। 42 नंबर है, 1931 में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी है? धूल का फूल, आवारा, श्री 420, आलम आरा। बात कर रहा है जिसमें वॉइस थी, वॉइस वाली मूवी कौन सी थी? 42 का राइट आंसर आपकी आलम आरा। तो फ्रेंड ये हमारे 42 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं, तो ऐसे ही अपने प्रैक्टिस करिए। रेलवे का एग्जाम जब भी आएगा देखा जाएगा, लेकिन तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी ना। एग्जाम तो होगा, ये तो पक्का है ना। देखिए एग्जाम भी होगा, नोटिफिकेशन भी आएगा, एडमिट कार्ड भी आएगा, आपका नाम भी लिस्ट में होगा, और आप एग्जाम देने जाएंगे भी। अगर ये सब कुछ है तो तैयारी क्यों नहीं है आपकी अब तक? अगर आपका स्कोर कम आ रहा है ना, 42 में से अगर आपका स्कोर अगर बनता है केवल 30 का, 25 का, 22 का, तो स्कोर बहुत बेकार है। अगर बन रहा है स्कोर 15 का, 12 का, तो बस पूछो ही मत कि मैं क्या बोलूँगा आपको। ठीक है, देखिए निराश नहीं होना है पहली बात तो ये। अभी टाइम है आपके पास, 2-3 महीने है, ये एग्ज़ाम आपका होगा जाके मार्च में। ठीक है, 3 महीने में अपना अपने आप को पूरा 100% झोंक डालो उसमें, करो या मरो की नीति अपनाओ, तैयारी में लग जाओ। प्राइवेट जॉब करते हो अगर पॉसिबल है, जॉब को ड्रॉप करना, तैयारी करना, तो ऐसा कर लो।
अगर फैमिली अलाउ नहीं करती है जॉब ड्रॉप करने के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, तो जॉब भी करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि जॉब करते करते सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन तब भी हो सकता है, बट ये है कि आपको अपना माइंड एग्ज़ाम के प्रति पूरा 100% देना पड़ेगा। और पढ़ते समय आपको बॉस की डांट याद आ रही है, पढ़ते समय आपको मतलब कि कोई स्टाफ का कलीग याद आ रहा है, उसकी बातें आ रही है याद, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। ऐसा किताब खोल के बैठ रहे हो बस, केवल ध्यान कहीं और है। अगर आप प्रॉमिस कर सकते हो अपने आप से कि हाँ पढ़ते समय मैं बस केवल पढ़ूंगा, फालतू बातों में मेरा ध्यान नहीं जाएगा, तो सिलेक्शन आपका पक्का होगा। 3 बुक आपको परचेज करनी है सबसे पहले। अगर परचेज नहीं कर सकते तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 जो आप सामने देख रहे हैं वो, और वॉल्यूम 3 है आपके बायोलॉजी सामान्य विज्ञान की मतलब बुक है। इन 3 बुक को ले लीजिए, पढ़ लीजिए उसमें से। लेकिन उसमें से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सभी मैंने हाईलाइट करवा रखे हैं अपने वीडियो में। तो तीनों ही बुक के वीडियो पैरेलल चल चुके हैं इस चैनल पे, आप जाइए प्लेलिस्ट में और देखिए उन सभी वीडियो को। लेता हूँ आपसे अलविदा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा, और अपना कमेंट, आपका जैसा भी स्कोर रहा है मुझे कमेंट जरूर करिएगा। बस आपसे यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मुझे आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि लाइक और शेयर करने से क्या होगा, ये वीडियो उस बच्चे तक से पहुँच पाएगा जो गाँव में रहता है। लाइक शेयर कम होगा तो ये वीडियो ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाएगा यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब उन्हीं वीडियो को सर्कुलेट करता है, मतलब कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में रोटेट करवाएगा, जिसमें लाइक और शेयर अधिक होते हैं। तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट, मेरी सभी बातों पर ध्यान दीजिएगा। मिलता हूँ जल्द एक नई वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल।